मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लेसन नंबर 5 लोकेशन एंड टाइम का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसलिए लोकेशन एंड टाइम, तो सबसे पहले लोकेशन एंड टाइम में हमको मेन चीज क्या पता होना चाहिए कि अर्थ, अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। अर्थ के बारे में क्या, तो अर्थ के ऊपर जो है लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये जो दो है वो मेजर है। सबसे मेजर जो लाइन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो अर्थ के ऊपर ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की हुई है, नहीं चलेगा। स्केल जहाँ पे चाहिए
प्रॉपरली जो है स्केल यूज करो, स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करो। इतना बोला है तो इतना, यहाँ से इतना बोला है, यहाँ पे इतना बॉक्स है, यहाँ पे फिर आगे पीछे इस तरीके से प्रॉपरली ड्रॉ करना है। स्केल का यूज करके आपको स्केल यूज करनी है, समझना है। आप स्केल यूज नहीं करते हो, जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ करके दे देते हो, क्यों आपके पास स्केल नहीं है? इतने साल से स्कूल में आते हो, सब है आपके पास, आपको यूज नहीं करना है क्योंकि टाइम लगेगा। और एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, एग्जाम में जो है स्ट्रिक्टली होगा सब कुछ चेकिंग, इसलिए सारे डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं। जहाँ स्केल की जरूरत होती है वहाँ स्केल आप यूज करो। जहाँ सर्कल हमको बनाना है और हमको नहीं आता हाथ से, तो आप वहाँ पे राउंड के लिए राउंडर लेके जाओ घर से और उससे ड्रॉ करो, समझ में। पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करना है, पेन से नहीं। इवन लेबलिंग भी पेंसिल से, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया एरो करके, आपको भी ऐसा करना है ना, यहाँ पे लिखना है, यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ लिखा, यहाँ पे एरो लिया है तो यहाँ लिखा जीरो डिग्री। तो आपको भी ऐसे प्रॉपरली ड्रॉ करना है और मेंशन करना है, समझ में आया। लैटिट्यूड मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री का, 90 डिग्री कितना होता है, इसको 90 डिग्री बोलते हैं ना, मैथ्स में आता है ना, मैंने पढ़ाते थे हम। 90 डिग्री जो है आप इसको बोलते हो, 0 से 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, नॉर्थ से साउथ का जो एंगल फॉर्म होता है पोल्स में, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू द 90 डिग्री, समझना है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉन ईस्ट टू वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ क्या, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी, ठीक है। ये लैटिट्यूड आपको और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होना जरूरी है। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की गई है ग्लोब के ऊपर, जो नॉर्थ टू साउथ होते हैं डायरेक्शन में, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, समझ में आया, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, जो ये वाली लाइन है उसको लैटिट्यूड, और जो स्ट्रेट खड़ी लाइन है आपको ये क्वेश्चन तो आ सकता ही है कि व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। या तो आएगा डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड और डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो आपको वो आना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन और पूरी लिखनी है प्रॉपरली। जो मैंने अभी बोली वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब या तो ऑन द अर्थ दैट ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आर नोन एज लॉन्गिट्यूड, ऐसे आपको पूरी डायरेक्शन लिखनी, सॉरी पूरी डेफिनेशन लिखनी है अपने एग्जाम में, समझ में आया। शॉर्ट में नहीं चलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो है दो होते हैं मेजर, एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड आड़ी लाइन लैटिट्यूड, खड़ी लाइन लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। समझने के लिए बाकी लिखना तो आपको इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वही लिखते हैं, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी लैटिट्यूड है, ये वाले ये बात, इसलिए बोला कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि खड़ी लाइन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो है आड़ी लाइन को लैटिट्यूड, समझ में आया।
कौन सी लाइन है या तो कौन सा जो है उसको नाम से जाना जाता है। तो प्राइम मेरिडियन नाम से जाना जाता है और वो पास होता है ग्रीन बीच से, इसलिए ग्रीन बीच उसमें आता है। पासिस थ्रू ग्रीन बीच इन इंग्लैंड एंड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, उसको हम प्राइम मेरिडियन। नियर है कौन सा, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइन है उसमें से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, समझ में। इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू वर्टिकल हाफ, वो अर्थ को जो है दो वर्टिकल हाफ में डिवाइड कर, अर्थ के दो पार्ट हो जाते हैं वहाँ ऐसा। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न, दो पार्ट होते हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट, समझ में आए। ये डायरेक्शन भी याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये वाला वेस्ट और ये वाला ईस्ट। हम कहाँ रहते हैं, वेस्ट गुजरात। इंडिया का मैप याद रखो तो हमेशा याद रहेगा, इंडिया के मैप में गुजरात में हम रहते हैं तो गुजरात कहाँ पे है, वेस्ट में, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में, क्लियर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और ये ऊपर नीचे वाला तो याद रहे ना ही चाहिए कि ऊपर का नॉर्थ नीचे का साउथ। जब भी आप मैप खरीदते हो तो मैप में साइड में एक ऐसी लाइन भी होती है और कुछ में ऐसा ऊपर एन लिखा होता है, कुछ में यहाँ पे एन लिखा होता है, ज्यादातर तो ऊपर भी एन लिखा होता है उसमें। तो ऊपर एन लिखने का मतलब क्या है पता है, साइड आप मैप हो गए ना, इतना मैप हो गए तो ये मैप के कोने वाले साइड में ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है पता है आपको, वो ऐसा बताता है कि ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, ऊपर वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ, ये साइड से याद रखने का नॉर्थ। तो अपने आप याद रखेंगे नीचे वाली साउथ, ठीक है, ऊपर वाली नॉर्थ तो नीचे वाली साउथ। ये साइड में वेस्ट, हम वेस्ट में रहते हैं, इंडिया के मैप में गुजरात ये साइड रहता है, हम वेस्ट में रहते हैं तो वो साइड ईस्ट। दोनों की एक एक डायरेक्शन याद रखोगे तो अपने आप चारों डायरेक्शन याद रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं याद रहेगा। अगर चारों एक साथ याद करने जाओ तो मे भी कंफ्यूज हो सकते हो। नॉर्थ साउथ में तो नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है नीचे वाला पार्ट साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ, ये साइड वेस्ट और ईस्ट इसमें ही, ठीक है। और दो उसमें डिवाइड होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, समझ में आए। ग्रीन बीच से वो पास होता है इसलिए उसको ग्रीन बीच भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, पर वो ग्रीन बीच से पास होता है इसलिए उसको ग्रीन बीच भी बोलते हैं, क्लियर। इतना समझ में आया। फिर है इंटरनेशनल लेट लाइन, इसके अंदर इंटरनेशनल लेट लाइन मतलब कि वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड करके याद रखते हैं, इंटरनेशनल लेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से याद रखो। द ओनली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज इंटरनेशनल लेट लाइन, जिसको इंटरनेशनल लेट लाइन बोलते हैं। आपको ऐसा भी आ सकता है डैश इज इंटरनेशनल लेट लाइन, आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो एक अकेली लाइन है उसको हम जो है
के 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन हम बोलते हैं, क्लियर। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कौन से ओशन से पास होती है, तो वो पैसिफिक ओशन से पास होती है। कौन से ओशन से पास होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वो पैसिफिक ओशन के वहाँ से पास होती है, क्लियर। और यहाँ से वो सेपरेट करती है टू कैलेंडर्स के डेट, दो डेट्स जो है वहाँ पे चेंज होती है। पैसिफिक ओशन से जहाँ से पास होते हैं वहाँ से वो एग्जैक्टली 180 डिग्री जो है वो सारे जगहों पे नहीं चलती है, वो क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस क्यों है, तो वहाँ पे बीच में बहुत सारे जगहों पे पानी आता है, क्रिस क्रॉस इसलिए है, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड है नॉर्थ उसके वजह से। और ऐसा भी है कि दो डेट्स एंड टू डेज एंड टू डेट्स ऑन सेम आइलैंड, दो डेट और दो डेट दो दोनों सेम हो सकता है, कोई एक सेम आइलैंड ऐसा भी हो सकता है, समझ में। और इसके वजह से ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये लाइन जो है लैंड से पास होके वाटर बॉडी से उसको शिफ्ट कर दिया है, इसलिए वो स्ट्रेट नहीं है पर ज़िगज़ैग, समझ में। इसलिए वो स्ट्रेट नहीं है पर वो ज़िगज़ैग, क्लियर। फिर है सॉन, सॉन सबसे बड़ी क्लॉक है हमारे पर, हमारे अर्थ की। सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ, सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। सन की वजह से ही हमें टाइम पता चलता है, सन राइज होता है तो हमें पता चलता है इतने बजे, सन जब सुफेर होती है तो सर्द होते हैं तो 12 बजे, फिर नीचे ढलता है तो हमें पता है 4-5 और 7 बजे पूरा राइज होता है शाम। और इस तरीके से जो है सॉन हमें जो है टाइम बताता है, इसलिए वो सबसे बिगेस्ट क्लॉक है हमारे अर्थ। द टाइम एट एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सॉन, कोई भी जगह पे जो है सॉन की पोजीशन को दिमाग में याद रख के जो है टाइम डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सन जब निकलता है तो इतने बजते हैं, जब सन दोपहर के 12 होते हैं तो सन एग्जैक्ट में सर पे होता है, फिर दिन में ढल जाता है, तो वो सन के अकॉर्डिंग ही सब जगह पे टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अर्थ को उसकी एक रोटेशन कंप्लीट करने के 24 आवर्स लगते हैं और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, समझना। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये तो आपको सारे स्टैंडर्ड में आएगा। अभी 7th में हो, 8th, 9th, 10th सारे स्टैंडर्ड में आएगा। रोटेशन को कितना टाइम, रिवॉल्यूशन को कितना टाइम, समझना है। और टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है, उसमें से 180 ईस्ट प्राइम मेरिडियन में है, 180 वेस्ट के साइड में, समझना है। और 15 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं एक आवर में। सन जो है सबका मोशन होता है ना, सन है तो अर्थ का मोशन होता है, रोटेशन पे होता है, रिवॉल्यूशन पे होता है, तो 15 लॉन्गिट्यूड एक अवर में पास होते हैं, 15 लॉन्गिट्यूड एक अवर में पास होते हैं, वो भी याद रखें कि 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन इन वन आवर, 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय वन आवर सन के पास से 15 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं एक घंटे, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूड
मिनट लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड से पास होने के लिए, समझ में आया। फिर इतना डिफरेंस वहाँ पे है बताया। फिर लोकल टाइम, लोकल टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, तो लोकल टाइम जो है ओवरहेड पोजीशन ऑफ सन, सन की जो सर पे जो पोजीशन होती है उसके ऊपर से जो है पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम लोकल टाइम उस तरीके से डिसाइड किया जाता है। चार मिनट का डिफरेंस होता है विद वन डिग्री, क्योंकि एक से पास होने के लिए चार मिनट चाहिए, चार मिनट का डिफरेंस होता है एक डिग्री लॉन्गिट्यूड। व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेस द सन इट वुड बी 12। जब कोई भी लॉन्गिट्यूड डायरेक्टली जो फेस करता है सन को तब 12 बजते हैं दोपहर के, तब 12 बजते हैं दोपहर के। इन ऑल द प्लेसेस ऑन दैट लॉन्गिट्यूड, उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जितनी भी प्लेस आती है उन सब जगहों पे 12 बजते हैं दोपहर। ठीक है, समझ में आया। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन सेम लॉन्गिट्यूड पे सेम टाइम होता है, क्लियर, इतना समझ में आया। फिर जो है हमारे यहाँ पर का डिसाइड किया हुआ, हमने देखा कि वो किस तरीके से होता है, दोपहर को एग्जैक्ट जब 12 बजते हैं तो लॉन्गिट्यूड के एग्जैक्ट डायरेक्ट रेस जो है सन से डायरेक्ट रेस उस लॉन्गिट्यूड पे गिरती है, और उस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी जगह आती है प्लेस सब जगह पे दोपहर के 12 बजे है, क्लियर। फिर है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है किसके बेस पे देखा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम किसके बेस पे देखा जाता है, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ कंट्री इज टेकन एज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। जो उसका लोकल टाइम जो बीच वाली जगह पे होता है वही को कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, उसको ही स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर किया जाता है, समझना है, उस कंट्री का उसको हम स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम हमारे यहाँ पे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। Okay.
देखते हैं, समझ में। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब अलाहाबाद में जब 12 बजते हैं दोपहर के, अलाहाबाद Okay.